यहाँ पे अच्छी खासी आवाम आ सकती है, मतलब ये वाला ठीक है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यार अभी टाइम हो रहा है एक, ठीक है, क्लास अपनी थी 8 बजे से 1 बजे तक, तो भाई साहब हम क्लास से फ्री हो गए हैं। ऑब्जेक्टिव की क्लास चल रही है, आप देख रहे होंगे कि भाई साहब स्क्रब स्क्रू मैंने ऐसे ही पहना हुआ है, ठीक है। तो अभी आया था कैंटीन में यूनिवर्सिटी की, बड़ा खतरनाक नोजिया मेरे को हो रहा था, मैंने कहा यार छोटी छोटी यहाँ पे खाते हैं कुछ, ठीक है, बिकॉज ऑपरेशन थिएटर से हम आए थे तो वो चीर फाड़ देख के ना फटती है, ठीक है, अगर कुछ खाया ना हो ना तो नोजिया आपको हो जाता। तो यहाँ पे भाई साहब कुछ है ही नहीं अच्छा खाने के लिए, तो चलते हैं कोई चीज़ ढूंढते हैं अच्छी सी खाने की मिल जाए अपने को। यार अभी आए हूँ मेगा पार्क, यहाँ से रोटी छोटी यस कराते हैं, लेकिन मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ भाई साहब, मेरे सामने हलाल स्लाइस, यहाँ पे भाई साहब मेरे को कोई पिज्ज़ा मिल जाना है 1000 रुपये का, ठीक है, और वहाँ पर पेंटा है, ठीक है, मेरा दिल कर रहा है कि पेंटा में जाऊँ, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि यार वहाँ पर पैसे काफ़ी ठुक जाने हैं। यार पेंटा में आ गया हूँ मैं, यहाँ से रोटी छोटी यस कराते हैं, स्टेक आपके भाई ने ऑर्डर किया, बहुत दिल कर रहा था मेरा स्टेक वटेक का, मैंने कहा भाई साहब मिट्टी डालो पैसे वैसे में, स्टेक खाते हैं। यार मुझे कुत्तों वाली भूख लगी थी, तो भाई साहब स्टेक वटेक में टाइम था, मैंने कहा कुछ भी है ना लेके आओ, सिस्टम अच्छा था, ठीक है, तो ये सॉसेजेस लेके आई है और साथ में फ्राइज़ है और साथ में जूस वगैरह, इसको यस कराते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद स्टेक टेक का ऑर्डर कर मतलब वेट करते हैं। One hour later. यार स्टेक भी अपनी आ गई है, ये चेक कर रहे हो सीन, ओए 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 ओए, मेरे मुंह में पानी आ रहा है भाई साहब, खा पी के मिलता हूँ आपको। रोटी छोटी अपनी हो गई है, अभी हमें जाना है जलोनी, बिकॉज घर का सामान खत्म हुआ पड़ा है, तो वहाँ से चल के चावल चावल आटा वाटा उठाते हैं। आप सोच रहे होगे हर चौथे दिन चला जाता है जलोनी, तो यार क्या ही कर सकते हैं भाई, घर गृहस्थी वाले बंदे हैं, चावल आटा दालें हमें लानी पड़ती है, मोस्टली मैं ही जलोनी जाता हूँ, बिकॉज मेरे इतने दोस्तों को ना इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों में, वो उठा के ले आते हैं कुछ भी, तो मेरे को थोड़ा सा है कि यार अच्छा सामान ले आता हूँ, ठीक है। ग्रीन बाजार तो नहीं मैं गया, बिकॉज रोहित वहाँ पे कहीं घूम रहा था, तो मैंने उसको कॉल करके बोला कि भाई सामान ले आई, तो वो चावल चावल ए टू जी सब ले आया, मैं घर आके सो गया, हालत बुरी हुई हुई थी, सुबह 8 बजे के उठे हुए थे, ठीक है। अभी भाई साहब डिनर की कार्रवाई कर रहा हूँ, डिनर में अपने पास बिरयानी बन रही है एज यूजुअल। तो यार डिनर अपना रेडी हो गया, दिखाओ काजी कितनी शानदार बिरयानी बनी है, और साथ में रायता भी बना लिया है, अभी इसको यस कराते हैं और सो जाते हैं, बिकॉज सुबह अपनी क्लास है और मेरी प्रेजेंटेशन है, उसको भी देखना पड़ेगा, और भाई साहब व्लॉग भी मेरे को एडिट करने हैं, पिछले बने पड़े हैं एक दो, टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं अपलोड ही नहीं कर पा रहा, एडिट वेडिट भाई बड़ा टाइम लगता है, आप लोग फिर भी लाइक नहीं करते, तो भाई साहब लाइक लाजमी किया करो। द नेक्स्ट डे, यार अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ पे अपनी क्लास है और मैं लेट हूँ, 8 बजे क्लास लगती है और भाई साहब टाइम 7:55 हो रहे हैं, मतलब 5 मिनट बाद क्लास है, चलो कोई नहीं, टीचर के हाथ पांव पकड़ लेंगे कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा लेट। क्लास में आ गए हैं, टीचर ने होमवर्क वगैरह दे दिया, होमवर्क तो नहीं असाइनमेंट दे दी है, कहती है बैठ के करो मैं आती हूँ ऑपरेशन करके, हमने कहा ठीक है। और यहाँ पे अपने भाई लोग बैठे हुए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, विनू भाई आ गए हमें फार्मा पढ़ा रहे थे। यार अभी आए हैं यशपाल के घर, चाय शाय पीने ही चेक कर रहे हो, अभी चलते हैं घर यहाँ से। 20 मिनट्स लेटर, यार यशपाल के घर से थोड़ी देर पहले हम आ गए थे, अभी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो नाश्ता यस कराते हैं, कल रात की बिरयानी रखी हुई थी तो साथ में इसके अचार डाल ली है, अभी इसको यस कराते हैं अच्छे से। यार अभी आए हैं बैंक्वेट हॉल देखने, एक्चुअली एक पार्टी का अरेंजमेंट करना है, तो ये लोग आपको बताएंगे, या तो बता डिटेल थोड़ी सी। ये कंपनी की तरफ से पार्टी दी जा रही है, नियो कंपनी की तरफ से, सभी बच्चों के लिए। अच्छा, तो कंपनी के बच्चे 350 समथिंग है, हाँ, तो उनके लिए अरेंजमेंट के लिए आए हैं। अभी चल के देखते हैं कोई अच्छा सा हॉल, देखते हैं क्या कुछ सीन है, कितने पैसे मांगते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं जाके, इस होटल में चल के देखते हैं क्या सीन है। ये एक हॉल देखने आए हैं, ये चेक कर रहे हो, लेकिन भाई इसमें तो 300 बंदा आना भी नहीं, इसमें 100 भी बड़ी मुश्किल से आना है, तो चलते हैं कोई और बड़ा देखने, या फिर इसको बोलते हैं कि अपने को जॉइंट में कर दे कुछ। यार बाहर आया तो क्या स्मैक्सी व्यू है, ये चेक कर रहे हो, ओए होए होए होए, पहाड़ नजर आ रहे हैं यहाँ से लेवल। और बैंक्वेट हॉल में आए हैं, ये चेक कर रहे हो, यहाँ पे पार्टी भी हुई थी पिछले दिनों, इसका ये सीन है भाई साहब,
यहाँ पे अच्छी खासी आवाम आ सकती है, मतलब ये वाला ठीक है यार। अभी लास्ट हॉल हम देखने आए हैं ये रमादा, यहाँ पे चेक करते हैं क्या सीन है। पिछले वाला तो बड़ा महंगा बता रहे थे, कोई ऑलमोस्ट 13 लाख रुपया विदाउट फूड, फूड कोई 15 लाख का, मतलब ये ऑलमोस्ट 28-30 लाख रुपया बन जाना है। तो इसमें चल के देखते हैं क्या सीन है। यार अभी आपका भाई घर आ गया और बहुत खतरनाक भूख लग गई है मुझे, तो चेक करते हैं भाई साहब क्या कुछ बन रहा है। आज काजी की बारी थी तो चेक करते हैं भाई। काजी क्या बना रहा है भाई? भाई चिकन ग्रेवी। चिकन ग्रेवी? हाँ। अरे हाँ हाँ हाँ। और ये क्या कर रहा है भाई? यार खाना अपना रेडी हो गया है, मैं डाल लाया हूँ प्लेट में, अभी इसको खाते हैं। और ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।